जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सेना ने आज एक कार्यक्रम के दौरान दी जानकारी। शमीम बानो जो कुलगाम की रहने वाली है, उसे 28 आरआर ने लिया गोद और उसके पढ़ाई का पूरा उठाया खर्च। कुलगाम के लोगों ने सेना के इस कदम की प्रशंसा। बड़े शुक्रगुजार हैं, हमारे लिए हर टाइम अच्छा कर रही है। बीती रात श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक घर में अचानक लगी आग। शोपियां में बर्फबारी के कारण लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। लोग खुद ही सड़क से हटा रहे हैं बर्फ। पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ एनिवर्सरी पर आज गांधीनगर पीडीपी के ऑफिस में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। मुफ्ती मोहम्मद सईद को दी गई श्रद्धांजलि। लगातार हो रही बारिश के कारण आरएसपुरा के सीमावर्ती इलाके में गेहूं की फसल को हुआ नुकसान। किसानों ने की मुआवजे की मांग। देख रहे हैं कि गेहूं की फसल जो अभी अभी लगाई थी हमने। नौशहरा के इनायतपुर गांव का एक आदमी घर जाने के लिए दरिया को कर रहा था पार। पानी का बहाव तेज होने से घंटों बीच फंसा रहा, मुकामी लोगों ने उसकी बचाई जान। बिजली का करंट लगने से थना मंडी के राजधानी में पीडीडी कैजुअल लेबर की हुई मौत। जो बंदा था ये मेरी पंचायत का था और बहुत ही नहायती गरीब शख्स है। पूंछ में एक जख्मी और बीमार पड़े लावारिस घोड़े की एनजीओ और सोशल वर्कर्स ने बचाई जान। कंडेम्ड करता हूं इस वक्त म्युनिसिपैलिटी को और कंडेम्ड करता हूं जिसका जो घोड़ा था। मंडी के लोरल सब्जियां में भारी बर्फबारी। मुकामी लोगों ने कहा कि खेती के लिए बर्फबारी है अच्छी, पर कुछ लोगों ने इंतजामिया से की अपील कि राशन का किया जाए स्टॉक। अल्लाह का कर्म है कि बरवक्त बर्फबारी हुई और ये है। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने लोरन और सब्जियां की सड़क से बर्फ हटाने का काम किया शुरू। एडवाइजरी पहले से आ चुकी थी और खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि किसी किस्म की